राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। तो दोस्तों, अब पंडित जी आपको बताएंगे कि इस जगह का क्या महत्व है और ये जगह कितनी पुरानी है। तो पंडित जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्ते। आप दर्शकों को बताइए कि इस जगह का क्या महत्व है और ये कितना पुराना मंदिर है। ये मंदिर है, ये मंदिर नहीं, ये तंत्र जंत्र मंत्र का मंदिर है और चौसड़ी होगी ना मंदिर है। ये बहुत पुराना मंदिर है। ये मंदिर बना हुआ था 900 साल में और 1352 को एक राजा को मिला था। वो राजा का नाम था भूमो राजा, उनका पत्नी का नाम था हीरा देवी। राजा और रानी का इच्छा था कि मैं जंगल घूमना चाहता हूँ, तो राजा ने रानी को लेके जा रहे थे जंगल घूमने के लिए। पर्टिकुलर ये मंदिर जहाँ पे था, ये मंदिर में पूरा सैंड बालू में डूब के था। तो राजा जो घोड़े में जा रहे थे, राजा का घोड़ा आगे नहीं गया, ये मंदिर जहाँ पे था। तो राजा ने उतर के एक पत्थर फेंके थे, जब पत्थर फेंके तो नीचे पत्थर गिर गया था, तो उसी राजा ने और आगे नहीं गए थे। तो चौसड़ी योगिनी माताओं ने राजा को स्वप्न देश दिए थे कि जहाँ पे तू पत्थर फेंका था वहाँ पे चौसड़ी योगिनी का मंदिर है। तो सुबह आके निकाले तो ये मंदिर मिला था और ये मंदिर में पूरा डायमंड्स भर के था और डायमंड सब रानी को गिफ्ट दिए से उसी दिन से गांव का नाम रखे थे हीरापुर, हीरा मिला था बोल के। ये मंदिर बना हुआ था 900 साल में, 1352 को मिला है राजा को और 1953 को गवर्नमेंट ने ले लिया है। और ये मंदिर का खासियत ये है, ये तंत्र जंत्र मंत्र का मंदिर है। यहाँ पे सब बड़ा बड़ा तांत्रिक लोग आते हैं जादू विद्या सीखने के लिए और उनको जो पावर आता है मिलता है डायरेक्ट ऊपर से पावर आता है, इसीलिए टेंपल का छत नहीं ओपन है। सब मंदिर के ऊपर जैसा बंद रहता है, ये मंदिर का ऊपर बंद नहीं रहता है, खुला रहता है, क्योंकि उनको जो पावर आता है डायरेक्ट ऊपर से स्पिरिचुअल पावर आता है। यहाँ पर आप देखने वाले हैं पार्वती और दुर्गा माता का 64 रूप, 64 योगिनी उनको बोला जाता है। वो कैसे जन्म लिए, जो एक राक्षस था, डेमन था, वो राक्षस का नाम था रक्त बीज असुर। और असुर का इतना पावर था, उसको कोई भी देवता लोग मारे थे उसका ब्लड नीचे एक ड्रॉप गिरे तो बहुत सारे असुर पैदा हो जाते थे। तो पार्वती माता ने 64 प्रकार रूप लेकर असुर को वध किए थे। जब पार्वती माता ने 64 प्रकार रूप लिए थे उस टाइम बहुत गुस्सा हो गए थे, उनका गुस्सा को शांत करने के लिए यहाँ पे शिवजी 4 प्रकार रूप लेके विराजमान है। आप यहाँ पे देखेंगे 64 योगिनी और 4 जन भैरव, भैरव मीन्स शिवजी का दूसरा रूप,
और मंदिर के चारों तरफ है नव दुर्गा नव कात्यायनी, और अभी जैसे नवरात्रि पूजा चल रहा है उन लोग को ऐसे पूजा होता है। और सामने से जब एंट्री करेंगे आपको दोनों द्वारपाल दिखाई देंगे, उनका नाम है छाया माया। थोड़ा आगे जाओगे उनका बड़ी गार्ड दिखाई देगा चंड मुंड। जब चौसठी योगिनी ने युद्ध करने जाते हैं तो चौसठी योगिनी के सामने ये चंड मुंड जाते हैं। जब चौसठी योगिनी असुर लोग का सिर काटने जाते हैं तो उसका ब्लड नीचे गिराने नहीं देते हैं, चंड मुंड वो चार देते हैं। उसके बाद नवदुर्गा पीते हैं, नवदुर्गा के बाद जो बचेगा नवदुर्गा का बहाने जैकलैंड डॉग उनको पिलाते हैं। यह मंदिर का सबसे बड़ा पूजा है दशहरा पूजा और बासंती का दुर्गा पूजा। उस टाइम नवरात्रि पूजा होता है और महाअष्टमी के दिन हम लोग बलि देते हैं। यह जिस दिन से गवर्नमेंट ने लिया है ये मंदिर को उसी दिन से ब्लड का बलि बैन कर दिया, तो हम लोग ब्लड का सेक्रीफाइस नहीं करते हैं और जादू विद्या भी नहीं होता है। आते हैं तांत्रिक लोग मेडिटेशन करके जाते हैं, लेकिन उनका जो पूजा का सामान रहता है उसका यहाँ पर अलाव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आर्कोलॉजी स्टाफ डिपार्टमेंट लोग रहते हैं वो मना करते हैं कि यहाँ पे नहीं ये करने के लिए। अभी आज षष्ठी पूजा हुआ, सप्तमी पूजा हुआ, कल होगा महाअष्टमी। ये मंदिर में सबसे बड़ा पूजा रहता है महाअष्टमी के दिन। सुबह हम लोग माता जी को स्नान कराएंगे, उसके बाद थोड़ा फ्रूट्स का भोग लगाएंगे, दोपहर को चावल का भोग लगाएंगे। चावल का भोग लगाने के बाद फिर देवी माँ को और एक बार स्नान कराएंगे पूरे। उसके बाद शाम को आरती करेंगे, आरती करने के बाद हम लोग बलि देते हैं मछली का, ब्लड का सेक्रीफाइस नहीं करते। माँ के सामने जो पंड से वो पंड में एक बड़ा वाला मछली पकड़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, माँ के जो किचन हाउस में उसको जलाते हैं। जलाने के बाद रात को 12 बजे के बाद महाअष्टमी के दिन हम लोग क्या करके माँ के सामने आरती करेंगे। आरती करने के बाद माँ के सामने केले के पत्ते में बड़ा वाला पीस रख के फिर चले जाएंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। जब फिर उसके बाद दिन सुबह आएंगे माता जी को स्नान कराने के लिए, तो हम लोग देखेंगे खाली बीच वाला कांटा रहता है, मछली का ऊपर का नीचे नहीं रहता। माँ भोग स्वीकार करते हैं। और यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, किसके ऊपर कुछ जादू विद्या प्रयोग होगा कि किसके ऊपर कुछ तंत्र करना है, तो इसके अंदर आप घुस के नहीं जा सकते हैं। जिसके ऊपर तंत्र रहेगा हम लोग उसमें उसको छुड़ा देते हैं, माँ का रहता है सामान उसको ला के छुड़ा देते हैं। और सब दिन नॉर्मली पूजा होता है, सुबह 4 बजे मंदिर खुलता है, स्नान कराते हैं सबको, उसके बाद भोग लगाते हैं, दोपहर को भोग लगाते हैं, शाम को आरती करते हैं। आरती करने के बाद मंदिर क्लोज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे शाम के बाद पावर रहता है, इसीलिए मंदिर के अंदर कोई नहीं आते हैं। पहले तो अंधेरा था, अभी तो लाइट लगा लिए। यहाँ पे शाम के टाइम में डर लगता है आने के लिए, कोई नहीं रहते हैं यहाँ पे, सब चले जाते हैं। फिर सुबह 4 बजे आके माता जी का पूजा कराते हैं। और बड़ा बड़ा तांत्रिक लोग आते हैं, क्योंकि ये साधना पीठ है, शक्ति पीठ। जो दुर्गा माँ का एक एक अंग पड़ा था उसको बोलते हैं शक्ति पीठ। जैसे पुरी में है बिमला, काकड़पुर में मंगला मंदिर, जासपुर में बिरजा मंदिर, उसको बोलते हैं शक्ति पीठ। और इसको बोलते हैं तंत्र पीठ। ऐसा वाला मंदिर हम लोग का इंडिया में चार है, ये एक है, और ये खोर्धा जिला में जाता है। ये गांव का नाम है हीरापुर, ये भुवनेश्वर से 7 किलोमीटर का रास्ता है। और एक जो मंदिर है चौसठी योगिनी मंदिर, वो भुवनेश्वर से 400 किलोमीटर दूर है, वो बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रानीपुर झरियाल में है। और आउट ऑफ स्टेट एमपी में दो है, एक खजुराहो में और एक भेड़ाघाट में। टोटल ऑल ओवर इंडिया में 4 चौसठी योगिनी मंदिर है, लेकिन ये मंदिर को सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं। और ये गूगल में आप सर्च मारोगे चौसठी योगिनी मंदिर, पहले आपको ये मंदिर दिखाई देगा। और ये मंदिर में हम लोग का 64 मूर्ति प्रेजेंट है, बाकी जो 3 मंदिर है सब मूर्ति प्रेजेंट नहीं है। बाकी हम लोग का मंदिर में जो चौसठी योगिनी माताओं का मूर्ति है वो सब ब्लैक ग्रेनाइट का बनी हुई है। और मंदिर के बाहर जो नवदुर्गा है वो सैंडस्टोन में बनी हुई है। बाकी जो 3 मंदिर में है वो सब बड़ा बड़ा पहाड़ के ऊपर है और सब सैंडस्टोन में बनी हुई है, वहाँ पे पूजा नहीं होता है, वो लिविंग टेम्पल नहीं है, ये लिविंग टेम्पल है, यहाँ पे पूजा होता है। अभी दशहरा पूजा चल रहा है, अभी तो कोरोना के वजह से थोड़ा टूरिस्ट कम है, लेकिन माँ का तब पूजा करना पड़ेगा। मतलब भक्त लोग काफ़ी यहाँ पर तादाद में बहुत आते थे, यहाँ पे ज़्यादा फॉरेनर्स आते थे और सब स्टेट का लोग आते हैं,
लेकिन ये साल पूरा फीका पड़ गया, अगले साल फीका पड़ा था, ये साल भी फीका पड़ गया। तो हम लोग को तो हम लोग मंदिर का पुजारी है, माँ का तो पूजा करना पड़ेगा। आज षष्ठी पूजा हुआ, सप्तमी पूजा हुआ, उसके बाद चंडी पूजा हुआ, काल महाअष्टमी है, महाअष्टमी के सबसे बड़ा पूजा होगा और उसके बाद स्पेशल चंडी पूजा होगा, रात के टाइम में बलि देंगे, उसके बाद नवमी पूजा होगा, उसके बाद नवमी विश्राम पड़ता है, फिर उसके बाद दशहरा पूजा होगा। कहीं पे भी गणेश भगवान का नारी रूप नहीं देखे होंगे। जी 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 जी, इसका दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका बहुत बड़ा महत्व है। अब पंडित जी आपको बताएंगे कि ये चीज़ क्या है, इस चीज़ को बड़ा ध्यान से सुनेगा। यहाँ पे जैसे चौसठ योगिनी, चौसठ योगिनी मतलब पार्वती माता ने अपने शरीर से चौसठ देवियाँ को निकाले थे रक्त बीज असुर को मारने के लिए। जब रक्त बीज असुर ने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी से बर पाया था, उनको कोई देवता लोग नहीं मार पाते थे, तब सब लोग जाके पहुंच गए महामाया के पास, जो मेन देवी है हम लोग का चौसठ योगिनी में मेन है, उनका नाम है महामाया। सब देवता लोग उनके पास पहुंच गए कि कैसे राख्या से हम लोग बचेंगे, नहीं तो ये पूरा देवता लोग को लोप कर देगा। फिर उन्होंने सोचे कि जैसे भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा ने महेश्वर ने वर दिए थे और राख्यास को, कोई भी बेटा नहीं सोचेगा कि मेरा पुत्र को हत्या करने के लिए, एक माँ ही सोचेगा मैं मेरा पुत्र को हत्या करने के लिए और समाज को रक्षा करने के लिए। माँ ने सोचे कि वो राख्यास का वध नहीं होगा तो वो पूरा देवता लोग को डुबा देगा। उसके बाद माँ ने क्या करे, भगवान महेश्वर को बोले कि तुम इतना पावर दे दिए कि मेरा भी सफिशेंट नहीं है कि वो असुर को मैं वध कर पाऊँगा, तुम्हारा पुरुष से शक्ति से मेरे को कुछ नारी शक्ति चाहिए। जैसे वहाँ पे भगवान ब्रह्मा ने नारी रूप लिए, ब्राह्मणी यहाँ पे बोला जाता है, और एक भलुक को यहाँ पे है भलुक की, और एक है नरसिंह भगवान, वो फीमेल है, नर फीमेल नहीं है, और है गणेश भगवान। जैसे पार्वती माता ने पुरुष शक्ति से नारी शक्ति लिए, चौसठ योगिनी का रूप लेने लिए शक्ति नहीं हुआ, इसीलिए चौसठ योगिनी ने पुरुष शक्ति लेके असुर को संहार किए थे। और असुर को जब मारने के लिए गए थे पार्वती माता ने, तो उनका गुस्सा को शांत करने के लिए शिवजी चार प्रकार रूप लेके ब्रियास में है। यहाँ पे सब योगिनी स्माइलिंग फेस में है और शांति रूप में है। तो दोस्तों जैसा कि आपने पंडित जी से सुना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको हर जगह सुनने को नहीं मिलेगी। इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत कम लोग हैं आज के समय में जो ये सब चीज़ें जानते हैं। तो मैं पंडित जी से उनका नाम जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है। भीमसेन पाढ़ी। जब भी आप भुवनेश्वर आएँ, उड़ीसा आएँ, इस मंदिर में इन पंडित जी से ज़रूर मिले, किसी भी प्रकार की सहायता होगी या आपको अवश्य सहायता करेंगे। तो दोस्तों आने वाली वीडियोज़ में इसी प्रकार के हम मंदिरों के बारे में आपको बताएंगे, कुछ जगहों को विज़िट करेंगे और आप सब लोगों को जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग, जय चौसठ की मग्नि माता।